हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 16, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 30 आप मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन में आपको गिवन है, बुक्स ऑफ मुंबई केमिकल लिमिटेड शो द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2012। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 10 लाख रुपीज है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस 4,05,000 रुपीज है। आगे बता रखा है, 1 अप्रैल 2012 मशीनरी विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2009 वाज सोल्ड फॉर ₹80,000। इसके बाद है, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड अकाउंट आर मेड अप ऑफ 31 मार्च एवरी ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस बता रखा है 1 अप्रैल 2012 का। सबसे पहले तो आप यही नोट कीजिएगा, मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड 1 अप्रैल 2012 लिख के मेंशन कीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 1 लाख रुपीज मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे बात ये समझने की, यहाँ पे हमने 8 लाख प्लस 2 लाख क्यों लिखा, क्योंकि 10 लाख रुपीज का अमाउंट गिवन है तो हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया। तो बच्चों, हमने इसको टू पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ऑन 1 अप्रैल 2012 को जो मशीनरी बेची गई थी उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपीज की थी। तो 2 लाख रुपीज की मशीनरी कॉस्ट थी और यहाँ पे हमें 10 लाख रुपीज गिवन है, तो इसका मतलब एक मशीनरी 8 लाख की थी, एक मशीनरी 2 लाख की थी। अब सेम आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके आपको 4,05,000 मेंशन करना है, जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको दे रखा है, आपको बैलेंस दे रखा है स्टार्टिंग में, वो क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। अब क्या करना है, अब आपको थोड़ा समझना है कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट हुआ होगा 2 लाख वाली मशीनरी पे। हालांकि जो मशीनरी का अकाउंट चल रहा है ना, ये 2 लाख रुपए की जो मशीनरी थी 1 अक्टूबर 2009 को परचेज की गई थी, तो अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा कौन से मेथड से, रिड्यूसिंग मेथड से 10% के रेट पे। तो कितना डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज किया गया होगा 2 लाख वाली मशीनरी पे, आपको ये पता करना है। तो देखिए, 1 अक्टूबर 2009 को मशीनरी की कॉस्ट थी और 2 लाख रुपीज थी, ऐसा कि आपको क्वेश्चन में बता रखा है। इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 6 मंथ पे। क्यों 6 मंथ पे होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2009 से लेकर 31 मार्च 2010 तक 6 मंथ होते हैं और 10% के रेट से कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 आएगा। क्वेश्चन में बता रखा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज करना है, तो 10,000 को माइनस कीजिएगा 2 लाख में से, तो 1,90,000 होगा। फिर आपको 1,90,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% से, यहाँ पे पूरे साल का कैलकुलेट होगा तो 19,000 आएगा। इसके बाद फिर आपको 1 अप्रैल 2011 नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 19,000 को माइनस करेंगे 1,90,000 में से, तो 1,71,000 आएगा। इसके बाद फिर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 17,100 आएगा, माइनस करने पे 1,53,900 आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी, कब की वैल्यू है, 1 अप्रैल 2012 तक की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ वो हुआ 10,000, 19,000 और 17,100, क्योंकि 2009 को हमने मशीनरी खरीदी थी और हमने बेची कब है, 2012 को हमने बेची है, 1 अप्रैल 2012 में हमने क्या करा, उसे सेल किया है। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हुआ, पहले साल का 10,000 है, दूसरे साल का 19,000 और तीसरे साल का 17,100 है, ये 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, अब इसके बाद आगे क्या होगा, देखिए टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, तीनों को प्लस कर दीजिए तो 46,100 का डेप्रिसिएशन है। कौन सी वाली मशीनरी पे, जो 2 लाख की मशीनरी थी ना, तो प्रीवियस 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग मेथड से 46,100 का है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेगा, यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखेंगे ना डेप्रिसिएशन का, वो लिखेंगे 8 लाख वाली मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ होगा, क्योंकि इस पे भी, हालांकि इसको बेचा नहीं है पर डेप्रिसिएशन तो इस पे भी कैलकुलेट हुआ होगा ना, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के अब इसका देखना है कि इस पे कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ होगा। तो देखिए, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, अब रिमेनिंग मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन होगा, टोटल तो हमें पता है मशीनरी जो थी फर्स्ट मशीनरी वो 8 लाख रुपीज की थी। अब 4,05,000 का हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा था, जिसमें से हमने पता कर लिया कि 46,100 को डेप्रिसिएशन जो मशीनरी हम बेच रहे हैं ना उसका है, माइनस करके 3,58,900 आएगा। अब 3,58,900 जो आया है वो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया रिमेनिंग मशीनरी पे। अब आपको करना क्या है, आपको वैल्यू पता करनी है जो रिमेनिंग मशीनरी है उसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 4,41,000 रुपीज उसकी वैल्यू होगी। ये 4,41,000 रुपीज जो वैल्यू है, आप कौन सी मशीनरी की है, 8 लाख वाली मशीनरी की है। कब तक की वैल्यू है ये वैल्यू है 1 अप्रैल 2012 तक, जो 8 लाख वाली मशीनरी थी ना उसकी वैल्यू है 4,41,100 रुपीज, क्योंकि 3,58,900 का तो डेप्रिसिएशन ही है, वो हमने माइनस करके इसकी वैल्यू पता कर ली 1 अप्रैल 2012 तक की। अब इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2013 तक, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। तो 4,41,100 मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे 900 नहीं है, 100 है, मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 करेंगे तो 44,110 रुपीज आएगा।
तो 44,110 रुपीज का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा सेकंड मशीनरी पे, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक। यहाँ पे 4,41,100 मेंशन करना है आपको, इसके बाद ये कैलकुलेट करके 44,110 आएगा। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है 8 लाख वाली मशीनरी पे, क्योंकि 2 लाख वाली मशीनरी तो बेच दी हमने। अब यहाँ पे डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा 1 अप्रैल 2012 लिख के, 2 मशीनरी अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने 46,100 का, वही अमाउंट आपको मेंशन करना है डेबिट साइड। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने अमाउंट मेंशन किया है, तो ये आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है 1 अप्रैल 2012 लिख के बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 46,100 का डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी 2 लाख की थी उसको बेचने पे, उसको पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। अब कितने में मशीनरी बेची गई थी बाय बैंक अकाउंट लिख के मेंशन कीजिए, 80,000 पे मशीनरी बेची गई थी। यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के कितने का लॉस हुआ है आपको ये पता चल जाएगा, जब आप 80,000 और 46,100 को प्लस करके 2 लाख में से माइनस करेंगे तो 73,900 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब आपको यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल कर देनी है, तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज डेबिट साइड ज्यादा है, बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग करके बाय बैलेंस कैरी डाउन करके जो बैलेंस आएगा वो 8 लाख रुपीज का आएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको डेबिट साइड भी बैलेंसिंग करनी है 31 मार्च 2013 लिख के 2 बैलेंस कैरी डाउन करके मेंशन कीजिएगा 4,03,000 रुपीज, यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।